हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये नाशपाती का ट्री है जिसमें मैंने आज प्रूनिंग की हुई है। तो अभी इस पेड़ में और भी प्रूनिंग करनी बाकी है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं विंटर में कैसे प्रूनिंग होती है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, अभी इसमें काफ़ी प्रूनिंग करनी बाकी है क्योंकि इसकी थिनिंग ज़रूरी होती है। काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी तो फलों की ग्रोथ नहीं होती है, साथ ही उनको प्रॉपरली सन भी नहीं मिल पाती है। क्योंकि प्रॉपरली आपको फ्रूट्स के लिए सन और एयर सर्कुलेशन अच्छा रहना चाहिए। इसमें ब्रांचेस बहुत ज़्यादा दोस्तों, पहले प्रूनिंग नहीं की थी इसलिए इसमें प्रूनिंग करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखिए दोस्तों कि कैसे प्रूनिंग की गई है। तो दोस्तों ये मेरा खुद का बगीचा है, ये देखिए। इसमें दोस्तों नई ब्रांचेस और पुरानी ब्रांचेस का ख्याल रखना पड़ता है कि कौन सी ब्रांचेस काटनी है कौन सी नहीं काटनी है। बाकी ये देखिए दोस्तों, ये नाशपाती का पेड़ जो है उसकी ग्रोथ अच्छी हुई है दोस्तों। बट ये देखिए दोस्तों, कुछ एक ब्रांचेस है जो बहुत ही ज़्यादा लंबी चली गई है। एक्चुअल में प्रूनिंग करते समय हमें यही देखना होता है कि जब भी हम प्रूनिंग करें तो जहाँ तक हम फ्रूट्स तोड़ सकते हैं वहीं तक ब्रांचेस रहनी चाहिए, उसके आगे हमें काट देनी चाहिए। ज़्यादा लंबी ब्रांचेस में फल तोड़ना मुश्किल हो जाता है और ब्रांचेस भी काफ़ी कमज़ोर रहती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैं एक नाशपति के पेड़ की प्रूनिंग की वीडियो बनाई है दोस्तों, कि कैसे आफ्टर प्रूनिंग ये पेड़ दिखता है। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।